हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें बीटा फंक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज इंटीग्रल कैलकुलस का 23rd लेक्चर है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 एक्स टू द पावर एम माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में टू द पावर एम प्लस एन डीएक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअली बीटा फंक्शन का एक स्टैंडर्ड रिलेशन है जो इसके पहले हमने बीटा फंक्शन के फार्मूलिज वाले वीडियो में बताए थे। हमने वो वीडियो में कहा था कि ये रिलेशन हम आगे चल के प्रूफ करने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हम ये रिलेशन प्रूफ करेंगे। लेकिन ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको इसके पहले के वीडियो में जो हमने रिलेशन प्रूफ करा के दिए थे उसकी जानकारी होना चाहिए। इसके पहले के वीडियो में हमने जो रिलेशन प्रूफ करा के दिए थे वो क्या था, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी देन एक्स टू द पावर एम माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डीएक्स। इसके पहले के वीडियो में हमने ये रिलेशन प्रूफ करा के दिए थे, ये भी एग्जाम में आता है। तो यही रिलेशन का यूज करके हम ये रिलेशन प्रूफ करने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। सबसे पहले ये जो गिवन रिलेशन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। दैट इज गिवन रिलेशन जो हमें प्रूफ करना है, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, देन इसके न्यूमरेटर में है x टू द पावर m माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 बाय 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। ये हमें प्रूफ करना है। तो जैसा हमने कहा था कि इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसके पहले के वीडियो में ये जो रिलेशन हमने बताए थे इसका यूज़ करना है, तो चलो हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम वो रिलेशन का यूज़ कर रहे हैं, वी नो दैट दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो लिमिट है फ्रॉम 0 टू 1 जो हमें प्रूफ करना है, और जो रिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसमें 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और इसके न्यूमरेटर में है दैट इज x टू द पावर m माइनस 1 बाय 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx, ठीक है, हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लिमिट है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, देखो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है, तो हम क्या करेंगे, ये लिमिट को स्प्लिट करेंगे, हम ये लिमिट को इंटरवल में लेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे 0 टू 1 देन 1 टू इन्फिनिटी, इस तरह से हम यहाँ पे लिमिट को स्प्लिट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल है इसके दो इंटीग्रल बन जाएंगे। पहला इंटीग्रल रहेगा फ्रॉम 0 टू 1 जिसका लिमिट, और दूसरा इंटीग्रल जिसका लिमिट रहेगा फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, ये पहला इंटीग्रल रहेगा, बाकी अंदर का कंटेंट जो है वो सेम है, x टू द पावर m माइनस 1 बाय 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx, ये है पहला इंटीग्रल। और दूसरा इंटीग्रल बनाएंगे फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ओके 0 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी इसके अंदर का कंटेंट सेम रहेगा, x टू द पावर m माइनस 1 1 प्लस x टू द पावर एम प्लस एन इन टू डी एक्स, ओके। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट प्लस ये है सेकंड पार्ट, ओके। तो अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिमिट है फ्रॉम 0 टू 1 और सेकंड पार्ट में फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट को लेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट की जो लिमिट है वो 0 टू 1 लेके आएंगे, क्योंकि देखो जो हमें प्रूफ करना है उसमें 0 टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 टू 1 है तो इसको एज इट इज रहने दो, सेकंड पार्ट चलो लेंगे और इसको 0 टू 1 में कन्वर्ट करेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे x टू द पावर जहाँ m माइनस 1 है यहाँ पे हम n माइनस 1 लेके आएंगे, क्योंकि देखो जो प्रूफ करना है उसमें x टू द पावर m माइनस 1 जो यहाँ पे है, लेकिन x टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 यहाँ पे नहीं है, m माइनस 1 है, तो हम इसको n के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे चलो आपको बताते हैं। तो जैसा हमने कहा सबसे पहले हम सेकंड पार्ट को यहाँ अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो सेकंड पार्ट हम यहाँ पे लेंगे, तो सेकंड पार्ट इक्वल्स टू क्या है, सेकंड पार्ट लिमिट है फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और इसके अंदर में है x टू द पावर m माइनस 1 बाय 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n इनटू dx, ये ऐसा है, ठीक है। ये जो हमने लिया है इसको हम एक काम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 फिलहाल दे देंगे, ठीक है। बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इसके लेफ्ट साइड में है, आगे चल के हम सेकंड पार्ट के थ्रू जो भी रिजल्ट निकालेंगे वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिमिट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है तो हमें इसको 0 टू 1 करना है, उसके लिए हम एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे। क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, ये जो x है हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे
x के जगह 1 बाई टी और 1 प्लस एक्स जहां पे है हम एक काम करेंगे 1 प्लस एक्स के जगह पुट करेंगे 1 प्लस 1 बाई टी, ठीक है ना। जहां पे x है उसकी जगह 1 बाई टी आएगा और जहां पे 1 प्लस एक्स है उसकी जगह 1 प्लस 1 बाई टी आएगा। आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज 1 प्लस टी बाई टी, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट आप कोई भी फॉर्म में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये x का वैल्यू t के फॉर्म में और ये 1 प्लस एक्स का वैल्यू t के फॉर्म में, ओके। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन दैट इज dx और राइट साइड में 1 बाई टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर इंटू डी टी, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हमने उसको डिफरेंशिएट कर लिए, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई किए, डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फार्मूला 1 बाय एक्स का, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय टी को का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, ठीक है, ओके। इस तरह से ये हमने कर लिए और अब हमें लिमिट चेंज करना है। ये जो लिमिट है, ये लिमिट किसका लिमिट है, ये एक्स का लिमिट है, लेकिन हमें यहाँ पे टी का लिमिट तैयार करना है क्योंकि हम सब कुछ रिप्लेसमेंट टी के फॉर्म में करने वाले हैं। तो हमें टी का लिमिट कैसे तैयार करना है, देखो ये, देखो ये x का लोअर लिमिट है 1 और x का अपर लिमिट है इन्फिनिटी। तो देखो x का लोअर लिमिट 1, x का अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो ऐसे में t का लोअर लिमिट क्या होता है और t का अपर लिमिट क्या होता है वो समझ लो। काफ़ी सिंपल है, x का जो भी लोअर लिमिट है, x का वैल्यू 1 वो हमें यहाँ पुट करना है। देखो हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं रफ में। तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 बाई टी, ठीक है ना। देखो x का लोअर लिमिट जो 1 है वो हमने यहाँ पुट किए, अब ये t को इधर लेके जाओ 1 को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 1। तो हमें t का यहाँ पे क्या मिल गया वैल्यू 1, इसका मतलब t का लोअर लिमिट हो गया 1, ओके। और अब अपर लिमिट देखो, x का अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा देखो इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 बाई टी, ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे t इधर लेके आओ, इन्फिनिटी उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू 1 बाई इन्फिनिटी, ओके। और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो हम यहाँ पे t का अपर लिमिट लिखेंगे 0, ओके। तो ये x का लोअर लिमिट, ये t का लोअर लिमिट, ये x का अपर लिमिट, ये t का अपर लिमिट, ओके। तो फाइनली अब हम पूरा रिप्लेसमेंट यहाँ पे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट जो अब हमें मिलने वाला है, जो सेकंड पार्ट ये जो था ये इन द फॉर्म ऑफ x था, लेकिन अब हमें इन द फॉर्म ऑफ t यहाँ पे तैयार करना है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 0, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे t का लिमिट पुट करना है। तो ये लोअर लिमिट जो है वो यहाँ पे ले लिए और अपर लिमिट हमने यहाँ पे ले लिए, ओके। और अब यहाँ पे अंदर में चेंजेस क्या होंगे, तो क्या लिखा है देखो, x टू द पावर m माइनस 1, तो x का वैल्यू हमें क्या पुट करना है 1 बाई टी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई टी टू द पावर m माइनस 1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। x के जगह 1 बाई टी आ गया और अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स के जगह क्या आएगा, तो 1 प्लस एक्स के जगह 1 प्लस टी बाई टी ऐसा आएगा, ठीक है, 1 प्लस टी बाई टी और इसका पावर m प्लस एन, और यहाँ पे देखो dx के जगह क्या आएगा, dx के जगह माइनस 1 बाई टी स्क्योर डी टी ऐसा आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इसको ब्रैकेट देंगे क्योंकि माइनस है, माइनस 1 बाई टी स्क्योर इंटू डी टी, ओके। तो फाइनली इस तरह से हम यहाँ पे पूरा जो इंटीग्रल है वो इन द फॉर्म ऑफ टी यहाँ पे लिख रहे हैं और अब हमें इसको सॉल्व करना है, देखते हैं ये कब तक सॉल्व होता है। तो हम सबसे पहले माइनस को बाहर ले लेंगे, तो ये हम लिखेंगे माइनस, ये इंटीग्रल एज इट इज रहेगा फ्रॉम 1 टू 0, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे अंदर में कंटेंट क्या मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, इसको समझ लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन इसको प्रॉपरली समझ लो। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले हमने माइनस को बाहर ले लिए, ये जो डिनोमिनेटर में टी स्क्योर था इसको न्यूमिनेटर में लेके जाओ तो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 2, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डी टी है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, टी स्क्योर को न्यूमिनेटर में लेके गए, ऐसा हो गया। और अब यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर में 1 बाय टी टू द पावर एम माइनस 1 है, 1 बाय टी को हम अगर टी के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये ऐसा होगा टी टू द पावर माइनस एम माइनस 1। देखो ये स्टप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है टी टू द पावर माइनस एम माइनस 1, हमने इसको 1 बाय टी के जगह टी के फॉर्म में लिखे। और डिनोमिनेटर में ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसमें 1 प्लस टी का पावर एम प्लस एन है और जो टी है इसका भी पावर एम प्लस एन है, तो ये जो टी है वो आगे चल के न्यूमिनेटर में चले जाएगा, वो इसीलिए क्योंकि ये पूरे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में है, जो टर्म डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में चले जाता है, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा टी टू द पावर एम प्लस एन, ये ऐसा आ जाएगा। देखो ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अब डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस टी टू द पावर एम प्लस एन, ये ऐसा बचेगा, ठीक है। तो देखो न्यूमिनेटर में टोटल यहाँ पे 3 जो है वो टी आई है, ठीक है, ये 1 बाई टी को हमने टी के फॉर्म में लिखे,
ये जो टी है वो ऊपर गया तो वो टी आ गया और ये टी को हमने ऊपर ले लिया, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो पार्ट थे, ठीक है। ये पहला पार्ट जिसका पावर हमने माइनस में लिखे, माइनस में क्यों लिखे, देखो यहां पे आपको समझा के देते हैं, वन बाय टी टू द पावर अगर एन हो, वन बाय टी टू द पावर अगर एन हो तो आप वन बाय टी टू द पावर एन ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर उसको टी टू द पावर माइनस एन ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे 1 बाय टी टू द पावर एम माइनस वन है तो यहां पे हर जगह एन के जगह अगर आप एम माइनस वन अगर आप यहां पे लिखते हैं, देखो हर जगह एम माइनस वन लिखते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, टी टू द पावर माइनस एम माइनस वन ऐसा हो जाएगा। तो हमने वही तो किया है, ठीक है। और ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है इसलिए हमने उसको न्यूमरेटर में ला लिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे न्यूमरेटर में तीनों टी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप तीनों टी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो उसका पावर है वो एड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज इंटीग्रल। अब हम लिखेंगे फ्रॉम जीरो टू वन, ठीक है। देखो हम माइनस का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है माइनस का अगर आप यूज करते हैं तो उसका लिमिट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। वन जो है वो ऊपर गया और जीरो जो है वो नीचे आ गया, ओके। और अब अंदर में क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिनोमिनेटर लिख लेंगे, वन प्लस टी टू द पावर एम प्लस एन, तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर वन प्लस टी टू द पावर एम प्लस एन, और यहाँ पे जो डी टी है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और अब न्यूमिनेटर में क्या आएगा, तो न्यूमिनेटर में एक सिंगल टी हम लिखेंगे और उसका जो पावर है सबका ऐड कर लेंगे। तो यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये माइनस एम, तो हम लिखेंगे माइनस एम प्लस वन, ठीक है, माइनस एम और ये माइनस से यहां मल्टीप्लाई करो प्लस वन, देन एम प्लस एन, तो हम लिखेंगे एम प्लस एन और ये क्या है माइनस टू, देखो काफी लंबा हो गया ये इस तरह से, ठीक है। और अब सिर्फ न्यूमरेटर में सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, तो इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन, ओके। और अब न्यूमरेटर में क्या रहेगा, टी टू द पावर, यहाँ पे देखो m और m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये बचेगा n और ये माइनस टू प्लस वन, तो ये n माइनस वन ऐसा बचेगा, ओके। और डिनोमिनेटर में वन प्लस टी टू द पावर m प्लस n, ये एज इट इज है और ये डी टी, ओके। और फाइनली यहाँ तक हमने उसको सॉल्व किए, और ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। देखो हमें जो है x टू द पावर n माइनस वन ऐसा चाहिए था न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे t टू द पावर n माइनस वन आ चुका है, n के फॉर्म में चाहिए था, लेकिन ये जो पूरा इंटीग्रल है वो इन द फॉर्म ऑफ t है, हर जगह t है, तो t को रिप्लेस करो बाय x, ठीक है। तो अगर आप t को x से रिप्लेस करते हैं, देखो t को अगर आप x से रिप्लेस करते हैं तो t को आप अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt को आपको dx से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। जहां जहां पे t है वहां वहां पे x आ जाएगा, तो ये सेकंड पार्ट ऐसा हो जाएगा, सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड पार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन, ठीक है, और ये t के जगह आएगा x टू द पावर n माइनस वन, डिनोमिनेटर में वन प्लस टी के जगह वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन और डी टी के जगह डी एक्स। तो फाइनली इस तरह से ये हमने सेकंड पार्ट यहाँ तक सॉल्व कर लिए, और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और अब यही सेकंड पार्ट का जो रिजल्ट है वो हमें इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है। देखो इक्वेशन नंबर वन हमने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमने इसको पार्ट वन पार्ट टू और यहाँ तक सॉल्व करके हमने इसको इक्वेशन नंबर वन दिए थे। पार्ट टू का ये जो रिजल्ट है ये उठा के इक्वेशन नंबर वन में यहाँ पुट करो और इक्वेशन नंबर वन को आगे कंटिन्यू सॉल्व करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर वन एम्प्लॉयज, इक्वेशन नंबर वन में हमें पार्ट टू का रिजल्ट जो है वो पुट करना है, वो रिजल्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो ये जो इंटीग्रल है इसके जगह वो आ जाएगा, ठीक है, ये जो पहला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बीटा फंक्शन ऑफ एम एन, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में ये पहला इंटीग्रल है, ये है फ्रॉम जीरो टू वन, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा x टू द पावर m माइनस वन बाय वन प्लस x टू द पावर m प्लस n dx, ये पहला इंटीग्रल, ठीक है, एज इट इज। और सेकंड इंटीग्रल के जगह सेकंड पार्ट का ये जो रिजल्ट है वो हम लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन, ओके, और रिमेनिंग जो है उसमें डिनोमिनेटर में वन प्लस x टू द पावर m प्लस n और न्यूमरेटर में है x टू द पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, एन माइनस वन और यहाँ पे इंटू डी एक्स। इस तरह से ये हमने सेकंड पार्ट को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिए। और अब यहाँ अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रल को भी यहाँ पे कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ पे दो इंटीग्रल थे, अब यहाँ पे इंटीग्रल अगर हम कॉमन ले लेंगे फ्रॉम जीरो टू वन ऐसा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम है वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन
और न्यूमरेटर को अब हम ऐड कर देंगे। इसके न्यूमरेटर में है x टू द पावर m माइनस वन और प्लस इसके न्यूमरेटर में है दैट इज x टू द पावर n माइनस वन और लेफ्ट हैंड साइड है बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। तो फाइनली जो रिलेशन प्रूफ करने के लिए कहा था वो रिलेशन हमने प्रूफ कर लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में ये रिलेशन आता है तो आपको प्रूफ करते आना चाहिए। और ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमने इसके पहले के वीडियो में जो रिलेशन बताए थे उसका हमने यूज़ किए, जो रिलेशन ये था देखो ये रिलेशन का यूज़ किए। तो इसके पहले का वीडियो वो भी आपको देख लेना चाहिए, वो भी रिलेशन एग्जाम में आता है और ये रिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो प्रूफ कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये था इंटीग्रल कैलकुलस का आज का लेक्चर नंबर 23। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करा के दिए थे वो आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।